इतना ही कहूंगी, आज हमारे देश में दो इतिहास रचे गए। धारा 370 जब हटाई गई थी, तब वो लोग जिनको भारत और भारत की लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था, उन्होंने ये कटाक्ष किया था कि क्या लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और आज चुनाव के परिणाम ये इस बात का संकेत देते हैं कि संविधान का सही मायने में आज सम्मान हमारे देश में हो पाया है। जहाँ तक बात हरियाणा की है, हरियाणा में भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी स्वयंसेवक, सभी वोटरों को आभार वंदन करते हैं कि इतनी तीखी बयानबाजी के बावजूद उन्होंने विकास में अपना विश्वास पुनः स्थापित किया। नहीं कहूँगी, आज हमारे देश में दो इतिहास रचे गए। धारा 370 जब हटाई गई थी, तब वो लोग जिनको भारत और भारत की लोकतंत्र पर विश्वास नहीं था, उन्होंने ये कटाक्ष किया था कि क्या लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और आज चुनाव के परिणाम ये इस बात का संकेत देते हैं कि संविधान का सही मायने में आज सम्मान हमारे देश में हो पाया है। जहाँ तक बात हरियाणा की है, हरियाणा में भाजपा के सभी कार्यकर्ता, सभी स्वयंसेवक, सभी वोटरों को आभार वंदन करते हैं कि इतनी तीखी बयानबाजी के बावजूद उन्होंने विकास में अपना विश्वास पुनः स्थापित किया।